दोपहर 12 बजे व्हाट्सएप डाउन हो गया। व्हाट्सएप का सर्वर मंगलवार को दोपहर करीब 12 बजे डाउन होने के बाद दुनिया भर में इसके यूजर्स परेशान होते रहे। व्हाट्सएप सर्वर डाउन होने के करीब 2 घंटे के बाद मेटा कंपनी ने सर्विस दोबारा शुरू कर दी। करोड़ों लोगों को इसका इस्तेमाल किए जाने का, जो स्टैंड वर्जन है व्हाट्सएप का मेटा कंपनी का, उसका इस्तेमाल करोड़ों लोग करते हैं और दोपहर करीब 12:30 बजे आज ये अचानक काम करना बंद कर देता है। इसके यूजर्स को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। व्हाट्सएप के काम नहीं करने की वजह से ना लोग ग्रुप चैट कर पा रहे थे, ना पर्सनल मैसेज भेज पा रहे थे। इसके बाद जो मेटा कंपनी है, डाउन डिटेक्टर ने इस बात की पुष्टि करते हुए कहा था कि व्हाट्सएप लाखों लोगों के लिए इस वक्त काम नहीं कर रहा है। इस मैप के मुताबिक मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, लखनऊ प्रभावित रहे। इसके बाद व्हाट्सएप ने आधिकारिक तौर पर बयान जारी करते हुए कहा, उन्हें यूजर्स की परेशानी का एहसास है। मेटा कंपनी ने आगे कहा कि हम जानते हैं कुछ लोगों को संदेश भेजने में समस्या हो रही है, हम जल्द ही समस्या का समाधान करेंगे। ज़्यादातर लोगों को ये समस्या हो रही थी, कुछ लोगों को नहीं हो रही थी। दोस्तों इसमें यहाँ पर मीम्स की बाढ़ आ गई। ट्विटर पर मीम्स बनाया है, एवरीवन रनिंग टू ट्विटर टू चेक ऑन व्हाट्सएप, व्हाट्सएप डाउन। आरती पाटिल नाम की यूजर्स ने ये ट्वीट किया है। इसमें कहा जा रहा है कि हर कोई ट्विटर पर भाग रहा है चेक करने के लिए कि व्हाट्सएप डाउन तो नहीं है। यहाँ पर दूसरा यूजर है बेला सियाग, उन्होंने भी लिखा है पीपल कमिंग टू ट्विटर टू सी इफ व्हाट्सएप इज डाउन। यहाँ पर देखिए मीम्स बनाए जा रहे हैं। तो आपने कैसे चेक किया व्हाट्सएप डाउन है? आपने ट्विटर पर चेक किया? यहाँ पर दोस्तों मैंने कैसे चेक किया? मैंने इंस्टाग्राम पर जाकर तुरंत चेक किया क्या व्हाट्सएप डाउन है।